दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वो ज्यादा जल्दी कामयाब होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो स्मार्टली अपना काम नहीं करते। और क्या आप जानते हैं कि स्मार्ट वर्क को अक्सर लोग कम करना समझते हैं। असल में ये सच नहीं है, क्योंकि इसका मतलब असल में ऐसे तरीके हैं जिनसे काम असल में ये सच नहीं है क्योंकि इसका मतलब असल में ऐसे तरीके से काम करना है जिसे स्मार्टली डिजाइन किया गया हो। क्या आप जानते हैं कि एनबीए लेजेंड जॉर्डन के पास शानदार फिजिकल गिफ्ट थे, लेकिन जैसा कि उनका लॉन्ग टर्म कोच फिल जैक्सन लिखते हैं कि ये उसकी सख्त मेहनत थी जिसने उसे एक लेजेंड बनाया। जब जॉर्डन पहली बार लीग में दाखिल हुए तो उसका जंप शॉट काफी अच्छा नहीं था। उसने अपने ऑफ सीजन एक दिन में सैकड़ों जंपर्स लेकर गुजारे जब तक ये परफेक्ट नहीं हो गया। एनबीए के एक हिस्से में जैक्सन लिखते हैं कि जॉर्डन की वाज़ह खसूसियत उसकी काबिलियत नहीं थी, लेकिन ये जानने के लिए आजजी थी कि उसे बेहतरीन बनने के लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी टू डू लिस्ट में अभी करने को बहुत कुछ बाकी है, या फिर आपने ऐसा महसूस किया है कि आप जो प्लेयर्स, ऑर्गेनाइजर्स और प्रोडक्टिविटी एक्सरसाइजेस खरीदते हैं आप उनमें बहुत डूब गए हैं। आपने उन्हें ये सोचकर खरीदा था कि अगर आपके पास सही टूल्स होंगे तो आप उन्हें अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए मदद ले सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपने ये नोटिस कर लिया है कि वैसा नहीं हुआ जैसा आपने सोचा था, क्योंकि ये सब टूल्स सिर्फ टूल्स ही हैं। ये टूल्स आपके लिए उस तरह हेल्पफुल होते हैं जिस तरह के टायर गेज आपके टायर को फिक्स करने में मदद करता है, लेकिन बिल्कुल टायर गेज की तरह उनमें जंप करने और जादुई तौर पर आपकी जिंदगी को बदलने की पावर नहीं होती। आपका प्लान्स कभी भी आपकी टू डू लिस्ट में मौजूद कामों को आपके सोते हुए चेक नहीं करेगा, लेकिन ये टूल्स आपके लिए तब फायदेमंद साबित होंगे जब आप खुद कोशिश करेंगे। लेकिन यह कहना आसान है और यकीनी तौर पर इसको करना मुश्किल। तो दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में हमारा इंटेंशन स्पेस टेंशन स्पेस पहले से बहुत कम हो चुका है और हमारे पास हमारी तवज्जो अपने काम से हटाने के लिए बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। एक ही टास्क के साथ ट्रैक पर रहना नामुमकिन बात है। यही बात खुद को मोटिवेट रखने से मुतल्लिक भी ठीक है। यकीनन आप खुद को ये कह सकते हैं कि ये काम करो और फिर ये कपकेक तुम खा सकते हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि आप ये कपकेक खा सकते हैं चाहे आप वो काम पूरा करें या ना। तो आप ये कैसे कर सकते हैं? आप किस तरह एक प्लान बनाकर उस पर कायम रहकर अपने गोल्स को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं? आज की इस बुक समरी में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे। जी हाँ, आज की इस किताब का सबसे पहला चैप्टर है हाउ टू कीप योर एनर्जी अप। ये बहुत जरूरी है, किस तरह से आप खुद को बिल्कुल एनर्जेटिक फील करें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी पैकेज का ऑर्डर दिया और उसके आने का बेसब्री से इंतजार किया है और उसके पहुंचने पर आपका जोश खरोश खत्म हो गया हो? ये जज्बाती तजर्बा परेशान कुन महसूस हो सकता है, लेकिन हकीकत में इसकी वजाहत करना बहुत आसान है। उसकी वजह यह है कि आप किसी चीज के मुंतजर होने के बारे में वाकई परजोश होते हैं। दर हकीकत आप अपनी खरीदी हुई फिजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले में अक्सर उसके इंतजार करते वक्त ज्यादा पुरजोश होते हैं। इसी तरह अक्सर प्रोजेक्ट्स का भी काम होता है। चाहे आपने काम पर कोई नई प्रमोशन हासिल की है या आप किसी नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोश हो, हम अक्सर वाकई पुरजोश होकर उसका आगाज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारा जोश कम हो जाता है। जब हम प्रोजेक्ट के असल हिस्से तक पहुंच जाते हैं तो ये जोश आमतौर पर खत्म होना शुरू हो जाता है। जब आपकी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है तो आप इस प्रोजेक्ट से उतर जाते हैं और उसे बचने का तरीका ढूंढते हैं और इसके बाद कोई नया एक्साइटिंग प्रोजेक्ट ढूंढने लगते हैं। लिहाजा ये हैरत की बात नहीं है कि ये साइकिल ताखीर के साथ हमारे ताल्लुकात को डेवलप और मेंटेन रखने में एक बहुत बड़ा आंसर है। लेकिन अब जबकि हम जानते हैं कि ऐसा ही होता है, आइए इसका मुकाबला करने का कोई तरीका तलाश करें। मुसन्निफ की तहकीक से पता चलता है कि हम दरअसल अपने दिमाग को, अपने हैप्पी हॉर्मोन्स को हैक करने और खुद को मोटिवेटेड रखने के काबिल बना सकते हैं। ये कैसे काम करता है? ये सब एक चॉइस के साथ शुरू होता है।
ये कोई राज नहीं है कि इंसान चॉइसेस से मोहब्बत करता है। दर हकीकत अपने नन्हे बच्चे को अपने फैसले करने की इजाजत देना वालिदैन की सबसे आम टिप्स में से एक है, यहां तक कि उतनी सादा चीज का इंतखाब करना जितना कि आप आज किस रंग का लिबास पहनना चाहते हैं। इससे एक छोटा बच्चा फखर और ताकतवर महसूस कर सकता है, और बड़ों के लिए भी यही सच है। हम अक्सर पर्सनल और प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन को कंट्रोल करने में रहने के एहसास के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इंतखाब करना हमारी मोटिवेशन को हैक करने का एक तेज तरीका है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कामों का एक पहाड़ है तो चॉइसेस के जरिए इस पहाड़ को छोटे छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर आपको 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट करना है और फिर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी है जो कि इस इंफॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट करती हो। अगर आप इस काम को मुकम्मल तौर पर देखें तो यह जबरदस्त लगता है, इसमें कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि हम हार मान लें और अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो देखना शुरू कर दें। तो कैसा होगा अगर आप इस बड़े टास्क को छोटे छोटे चंक्स में तकसीम कर लें और हर एक को अलग अलग वक्त में करें। आप अपने काम को जहन में तरदीब देकर और यह सोचकर शुरू कर सकते हैं कि मुझे पहले डॉक्यूमेंट करना है। अगर आप उसे एक रिलैक्सिंग वर्क स्पेस में कर सकते हैं तो एक बहुत ही यमी मोटिवेशन के लिए एक मजेदार चाय या कॉफी के कप के साथ इस पर फोकस करना ज्यादा आसान है। और फिर जब आप ये काम कंप्लीट कर लें तो अपने आप को ब्रेक लगाकर रिवॉर्ड दें और फिर नेक्स्ट काम पर फोकस करें। स्टडी से पता चलता है कि जब लोग अपने आप को ब्रेक देते हैं तो ज्यादा वाजे तौर पर सोचते हैं, इसलिए ऐसा महसूस ना करें कि अगर आप दिन में ख्वाब देखने में कुछ वक्त निकालते हैं तो आप सुस्त हो रहे हैं। बर्नआउट हमारी दिमागी सेहत के लिए एक बहुत ही हकीकी और बहुत खतरनाक खतरा है, और ये उस वक्त शुरू होता है जब हम खुद को बहुत ज्यादा देर तक काम में धकेलते हैं। लिहाजा किसी चीज के बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त निकालें और अपने आप को इस ख्याली तसव्वुर में खोने दें। जब आप छुट्टी पर जाएंगे तो आप कितने खुश होंगे, आपके दिमाग को दोबारा चार्ज करने का मौका मिलने के बाद दोबारा एक और छोटे से काम में लग जाएं और इस काम को छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में तोड़ने से बिल्कुल ना घबराएं। मिसाल के तौर पर अगर पूरा पावर पॉइंट करने के बारे में सोचना बहुत ज्यादा है तो पहले सिर्फ 5 स्लाइड्स करने पर तवज्जो दें, और एक बार जब आप उनको कर लें तो आप मजीद 5 स्लाइड्स करें। बस इस काम को तोड़ते रहें जब तक कि आप अपना मकसद पूरा। प्रतिभा हजरत, इस किताब का दूसरा चैप्टर है मेक स्मार्ट गोल्स। दोस्तों, स्मार्टली बेहतर तरीके से और तेजी से काम करने का एक हिस्सा स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना है, जिसे ऑथर स्मार्ट गोल्स कहते हैं। इस सूरत में स्मार्ट ऐसे गोल्स को मुकम्मल करने का मुकफ्फ है जो कि स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हों, अचीवेबल हों, रियलिस्टिक हों और टाइम स्पेसिफिक हों। यह अमल मोटिवेशन हैक्स की तरह है, लेकिन इस बार यह ज्यादा मखसूस है। अपने टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ज्यादा आसान है। जब आप पावर पॉइंट पर काम कर रहे हों ये कहना आसान है कि आप पहली 5 स्लाइड्स बनाएंगे, लेकिन अपने आप को किसी बड़े गोल पर काम करने जैसा कि वेट लूज करने या पर्सनल डेवलपमेंट के किसी और पहलू पर फोकस करने के बारे में क्या ख्याल है। एक गोल जैसा कि अपना वजन 100 पाउंड कम करना है एक बहुत ही बड़ा काम है, और उसके लिए यह जानना मुश्किल है कि आप कहां से शुरू कर सकते हैं, और यही वो जगह है जहां पर स्मार्ट गोल आता है। आप अपने गोल को मखसूस करके शुरू कर सकते हैं। अब आप यह सोचें कि 100 पाउंड वजन कम करना मखसूस ही तो है, लेकिन यह एक अनक्लियर गोल है क्योंकि आपने यह मखसूस नहीं किया कि आप कैसे यह वजन कम करना चाहते हैं और कितने टाइम में आप यह करना चाहते हैं। इसके बरक्स हर हफ्ते एक्सरसाइज करना एक बहुत ही मखसूस गोल है। यह बयान वाज़े तौर पर बयान करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और कब करना चाहते हैं। एक बार जब आप अपने मखसूस गोल को डिफाइन कर लेते हैं तो इसके बारे में सोचें कि आप उसे कैसे मेजर करेंगे। दूसरे लफ्जों में आप किस तरह एक हकीकी और ठोस नतीज हासिल कर सकते हैं, आप अपने गोल्स को कैसे अमली जामा पहनाएंगे। आपका गोल ज्यादा मेजरेबल होगा जब आप उसमें एक क्वालिफायर शामिल करेंगे, जैसा कि मैं काम पर जाने से पहले
मोहल्ले के इर्द गिर्द एक मील दौड़कर एक हफ्ते तक रोज वर्जिश करूंगा। अब जबकि आपने इन स्टेप्स को अमली जामा पहना दिया है, तो आप अपनी तवज्जो स्मार्ट के ए की तरफ मोड़ सकते हैं, यानी कि अपने गोल्स को अचीवेबल बनाना। क्या आप एक हफ्ते तक हर रोज एक्सरसाइज करके 100 पाउंड वजन कम कर सकते हैं? नहीं, यह नामुमकिन है। लेकिन अगर आप हर रोज एक हफ्ते तक एक मील दौड़ें और कई हफ्तों तक इस मश्क को जारी रखें, तो यह मुमकिन हो सकता है। आपको दूसरे क्वालिफायर्स को भी शामिल करने की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ, इसी तरह अपने काम को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करते जाएं, इससे आपको अपने काम में बहुत हेल्प मिलेगी। जुमला सुना है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, लेकिन बाज़ औक़ात ये काम करने से कहीं ज्यादा आसानी से कहा जाता है। ताखीर और मोटिवेशन की कमी को फतेह करना मुश्किल है, इसे दबाना और फिर काम करना मुश्किल है। लेकिन मुसन्निफ का ख्याल है कि हम कुछ आसान मोटिवेशन हैक्स को नाफिज कर सकते हैं, जो हमारे दिमाग पर मुस्बत ट्रिक्स को चलाने में हमारी मदद करेंगे। मिसाल के तौर पर, अगर कोई काम बहुत ज्यादा महसूस होता है और आपका दिमाग आपको उसे छोड़ने को कह रहा है, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करें जो आप ज्यादा मैनेजेबल महसूस करते हैं। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स आपके दिमाग को ये कहने से रोक देंगी कि ये बिल्कुल नामुमकिन है, और आप ये कहेंगे कि मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं। आप अपने काम में मकसद की निशानदेही करके और अपने लिए स्मार्ट गोल्स मुकर्रर करके अपनी हौसला अफजाई को बढ़ा सकते हैं। जब आप ऐसे गोल्स बनाते हैं जो मखसूस, काबिले पेमाइश, काबिले हसूल, हकीकत पसंदाना और वक्त के लिहाज से होते हैं, तो आप लफ्जी तौर पर कामयाबी का रास्ता बना रहे होते हैं। आप ज़हनी मॉडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्बत कहानियां जो आप खुद को सुनाते हैं, अपनी हौसला अफजाई को बरकरार रखने और सही रास्ते पर रहने में आपकी मदद करने के लिए। और जब आप इन तमाम हिकमत अमलियों को एक ही वक्त में अमली जमा पहनाते हैं, तो आप देखेंगे कि बेहतर और तेज तर काम करना दर हकीकत आसान है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये बुक समरी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज को देखते और सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।